गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आपको बेटा आपको इंट्रोडक्शन की बातें कुछ हमने बताई थी, मतलब इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर से, जो चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको हमने फ्लूइड के बारे में बताया था कि दोज सब्सटेंस कैन इजीली फ्लो इन आवर एनवायरनमेंट। जो सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में इजीली फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या चीज़, फ्लूइड। और फ्लूइड के टाइप्स को भी बताया था, ठीक है। तो उसमें फ्लूइड में दो बातें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्या, पहला जो होता है कि गैस, दूसरी जो होती है लिक्विड। ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो इजीली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक एक बात को समझेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पीछे भी मैंने बता चुका हूँ कि इंटरनेस्ट पिछले चैप्टर में भी बताया था, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, इस बात को समझते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग कहते हैं भाई क्या चीज, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें ये दो बातें बहुत ही, अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जस्ट लाइक देखिए, ये हाइड्रोजन का दो एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है, इसके बीच में जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये कितने टाइप्स का होता है, तो ध्यान से समझिएगा, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है बेटा, दो टाइप्स का होता है। एक जो होता है आपका क्या चीज, कोहेसिव, और दूसरा जो होता है एडहेसिव, ठीक है बेटा, कोहेसिव एंड एडहेसिव। हिंदी में इसको बोलते हैं ससंजन बल। इसको क्या नाम दिया जाता है, ससंजन बल। और एडहेसिव का नाम दिया जाता है आसंजन बल। इसको क्या कहते हैं, आसंजन बल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं क्या चीज, अंतर आणविक बल। इसको बोलते हैं अंतराणविक। ये जो होता है, तो ये दो टाइप्स का कंपोनेंट्स होता है, एक होता है कोहेसिव, दूसरा होता है एडहेसिव। कोहेसिव बल को हम लोग बोलते हैं ससंजन बल। ससंजन बल का मतलब क्या है, इस बात को समझेंगे, यानी कोहेसिव फोर्स क्या होता है इस बात को समझेंगे भाई। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब कि अगर एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें अगर फोर्स लग रहा है बेटा सब्सटेंस, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेशन। इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। सिमिलर एटम के बीच अगर फोर्स लगता है तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। दिस फोर्स, ये होता क्या, ध्यान समझिएगा, दिस फोर्स लेसर इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में कम होता है, एंड लीस्ट इन अ गैस, और गैस में बहुत ही ज्यादा कम होता है।
क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते कम होने की वजह से थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं हम लोग, क्या चीज होता है कि द सेंट्रिकल, ठीक है, तो सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब दो एटम के सेंटर से जो बीच का डिफरेंसेस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड में थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू गैस, गैस मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में लिक्विड जो होती है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वैल्यू कम होती है लेकिन गैस में ज्यादा होती है, और सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के केस में हमेशा बॉडीज होती है, उसके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जस्ट लाइक देखिए एग्जाम्पल में, टू ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लिक्विड के दो ड्रॉप्स को लीजिए, ठीक है, क्लॉथ इनटू वन बिटवीन डॉट इन द नेचर म्यूचुअल कॉन्टेक्ट, मतलब आप लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स को ले लो या एयर के दो मॉलिक्यूल्स को, जैसे आपने क्या लिया H2O, H2O के दो मॉलिक्यूल्स को ले लो बेटा, H2O के दो मॉलिक्यूल्स को, यानी वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को लिया, और इसके बीच में फोर्स की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या होता है, ध्यान समझिए, जस्ट इसी में अपोजिट होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है एडहेसिव फोर्स की तरह अपोजिट होता है, ध्यान से बात को समझिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस का मतलब है कि दोनों मटेरियल क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इज कॉल्ड द एडहेसिव, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एडहेसिव, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, एडहेसिव फोर्स है। जैसे कि आपने क्या लिया कि H2O, ठीक है, और क्या ले लिया भाई, ग्लास, ग्लास लिया, तो ये H2O और ग्लास के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने वाला है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देंगे क्या चीज भाई, एडहेसिव फोर्स, उसको क्या देंगे भाई, एडहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, एडहेसिव फोर्स इनेबल अस टू, इनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ चॉक, जब हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, जैसे मार्कर से लिख रहे हैं, तो ये जो इंक है ये बोर्ड में क्यों चिपक रहा है, क्योंकि चिपकने का कारण यह है कि ये पेन और बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी वो एडहेसिव फोर्स, वो कैसा फोर्स है भाई, एडहेसिव फोर्स है, जिसकी वजह से ये इंक जो है इससे चिपक जाती है, क्लियर। फिर आता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है इस बात को समझेंगे, सरफेस टेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि सरफेस टेंशन जो होता है ये क्या चीज होती है, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये किसी भी लिक्विड का यानी द्रव का वह गुण है जो ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस, जो उसका फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि जैसे आपने पानी भरा, तो पानी भर लिया किसी बोतल में बेटा, तो ये जो है इसका फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं क्या चीज बेटा, फ्री सरफेस, ये इसका फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया, जो हमेशा कोशिश करता है कि उसका एकदम छोटा से छोटा एरिया हो, कैसा हो, छोटा से छोटा एरिया हो, ठीक है, एरिया, एंड बिहेव्स एज इफ, ठीक है, बिहेव्स एज इफ इट वर वन अंडर द टेंशन सम वॉट, जो इसके बीच में टेंशन होता है, तनाव होता है, टेंशन मतलब तनाव होता है, सम वॉट लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो मॉलिक्यूल्स को खींचने का काम करता है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, जुड़े हुए हैं,
तो ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, तो ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रेच करते हैं, तो लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, तब इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है हमारा सरफेस टेंशन है। जो ये देखिए अपर सरफेस ऑफ द लेयर, अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया है बेटा, जो इसको स्ट्रेच कर रहा है, मॉलिक्यूल्स जो है खींच रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी लाइन। तो देखो इसमें आपको एक पॉइंट मिलता है, क्या चीज कि इफ द सरफेस एक्टिंग ऑन वन साइड, मतलब सरफेस के एक साइड में, ठीक है, साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ l, इसका लेंथ क्या है भाई, l है, so then the surface tension t is equal to f by l, surface tension जो होता है वो क्या होता है, f by l होता है। इसको अदर वर्ड में बेटा जब कभी भी भूल जाए सरफेस टेंशन को, तो आप क्या बोल सकते हो कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, मतलब इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें प्रॉपर्टीज कुछ होती है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज देखिएगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, ये हमेशा नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि किसी भी पार्टिकल को लिक्विड में डुबोते हैं, छोड़ते हैं, तो कुछ पार्ट कुछ में डूब जाता है, कुछ में तैरता रहता है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। जैसे कि मच्छर है पानी के ऊपर, मॉस्किटो पानी के ऊपर जैसे बैठता है तो तैरता रहता है, लेकिन अगर क्यों तैरता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बना हुआ है, एक सरफेस टेंशन है जो उसके मॉलिक्यूल्स को, मेम्ब्रेन को खींच के रखा है, तोड़ने नहीं देता है, वो बहुत असावधानी से बैठता है तो उसके ऊपर तैरता रहता है। लेकिन हम कोई चीज पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो डूब जाता है, रीजन ये होता है कि जो उसकी अपर लेयर ऑफ वाटर है, अपर लेयर ऑफ वाटर है, वो क्या कर जाती है भाई, ब्रेक करती है, और जब ब्रेक करेगा तो वो उसके अंदर डूब जाता है, क्लियर, ये बात को समझिए। फिर क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस, जो एरिया ऑफ द सरफेस के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ऑफ द सरफेस ऑन लेंथ ऑफ लाइन कंसीडर, जो क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको सीजीएस यूनिट में लिख सकते हैं बेटा, डाइम पर सेंटीमीटर। डायमेंशन फार्मूला जो होता है, एमएलटी पर माइनस टू होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है, ठीक है, क्वांटिटी जो हो गई स्केलर हो गई। उसके बाद आता है पॉइंट क्या है बेटा, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो सरफेस को अफेक्ट करने का, यानी सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने का काम करता है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो है सरफेस टेंशन को क्या करती है बेटा, कि उस सरफेस टेंशन को चेंज करने का काम करती है, बदल देने का काम करती है। तो ये होता है कि द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाई ऑन द लिक्विड सरफेस टेंशन इज डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व इन कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन, मतलब कि जब किसी भी अदर इम्प्योरिटीज को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने की सिचुएशन में उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, तो उसका नाम देते हैं, ये इम्प्योरिटी जो है सरफेस टेंशन को क्या कर देती है, डिक्रीज करती है, या हो सकता है इंक्रीज करती है, मतलब कि उस जो पहले से लिक्विड है उसके सरफेस टेंशन में अफेक्ट करने का काम करती है। दूसरा जो होता है भाई,
टेम्परेचर, टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, बॉयल करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। कोल्ड करते हैं तो सरफेस टेंशन का वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है। होता क्या है इसके अंदर, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज टेंपरेचर। जो टेंपरेचर को इंक्रीज कर दिया तो सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेयर, वेयर ध्यान से देखिए, इसके लिए एक सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक इक्वेशन है टी टी डेल्टा, ठीक है, टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट वन माइनस अल्फा इंटू टी। अल्फा इंटू टी मतलब क्या है, ध्यान से बात को समझना कि टी टी एंड टी नॉट इज द सरफेस टेंशन ऑफ टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि एक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन दिया गया है और दूसरा जो है टी डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन है। एंड अल्फा, अल्फा इज द टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड टी जो है टेंपरेचर, ठीक है बेटा, आपका टेंपरेचर है। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि इसके एप्लीकेशन की बात भी कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा कि देखिए, कि सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, सरफेस टेंशन जो होता है हर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर होता है। एंड पेंट इज केप्ड ऑन लो, पेंट्स जो होते हैं उसके अंदर सरफेस टेंशन जो होता है लो होता है। दैट दे स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, जिसकी वजह से उसके अंदर सरफेस टेंशन कम होता है, जिसकी वजह से लार्ज एरिया में हम क्या कर सकते हैं उसको स्प्रेड कर पाते हैं, फैला पाते हैं। फिर देखिए, द ऑयल एंड ग्रीस, ध्यान समझिएगा, द ऑयल एंड ग्रीस स्पॉट मली द क्लॉथ कैन नॉट रिमूव्ड बाय प्योर वाटर। अगर क्लॉथ में क्या लग गया हो, वाटर लग गया हो, क्लॉथ में अगर ग्रीस लग गया हो, आयरन लग गया हो, तो उसको नॉर्मली हम लोग प्योर वाटर से उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से उसके ऊपर फैला हुआ है, और वो रिमूव कब होगा, जब उसके अंदर, उस प्योर वाटर के अंदर हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब कि डिटर्जेंट जब मिला देते हैं, सोप मिला देते हैं, तो ये इम्प्योरिटीज की वजह से इसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये बातें हमारी हो गई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जैसे क्या होता है कि एक छोटी बात और समझ लेना बेटा, कि सरफेस टेंशन की वजह से हर एक बॉडी, हर एक लिक्विड अपने स्मॉल शेप में आने की कोशिश करता है, हमेशा स्मॉल शेप में रखने की कोशिश करता है। जैसे कि वाटर ड्रॉप्स, देखिए ये तीन तरीके से, कैसे, यहाँ पे हमने एक मरकरी का बॉल रख देते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, स्फीयर बन जाता है। लेकिन वाटर की ड्रॉप्स इसके ऊपर जब रखे, वाटर की ड्रॉप्स रखते हैं तो ये वाटर की ड्रॉप्स जो होती है कुछ इस तरह से इसके ऊपर फैल जाती है। ये फैलती है किसकी वजह से भाई, एडहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है, एडहेसिव फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से समझना, अब मरकरी में क्या होता है कि मरकरी के अंदर जो होता है कोहेसिव फोर्स मोर होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज की वजह से ये अपने आप को, क्योंकि हर एक वाटर ड्रॉप से होती है, लिक्विड ड्रॉप से होती है, वो हमेशा स्फीयर के फॉर्म में बनती है। क्यों? क्योंकि भाई आप जैसे देखा होगा कि ये नल है, नल से जब पानी गिर रहा होगा तो पानी सब एकदम कम हो गया, जब बूंद बूंद पानी गिरता है तो ये बूंद कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह से ड्रॉप बनती है, फिर जो होता है ये पूरा स्फीयर होता है, पहले इस तरह से बनेगा, इस तरह से स्फीयर बनता है। तो ये जो है, जैसे हम स्कोरियो पर ड्रॉप देखते हैं ना, उसका जो सिंबल दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ध्यान देना, ठीक है।
ये इस तरह से लिखा है। क्यों भाई? क्योंकि यहां से जो ड्रॉप स्प्रेड होती है ना, ये इस तरह से बन गई, इस तरह से बनती है। तो ये जैसे ही इससे अलग होता है, क्योंकि अभी तो ये ड्रॉप के साथ है, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स लग रहा है, खिंचाव, लेकिन जैसे ही ये अलग होती है, प्योर क्या हो जाता है, स्फीयर के फॉर्म में हो जाता है। ये सब सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारी बातें हैं। ओके, जय हिंद। और एक बार कोशिश करिएगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।